पत्रिका की जनगणमन यात्रा चल रही है, जहां प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं इलेक्शंस के पहले देश की नब्ज टटोलने के लिए। कुछ और जनप्रतिनिधियों से बातचीत होगी और जाने जाएंगे उनके दिल के हाल भी चुनाव से जस्ट पहले। कैसा रहा है सर, हाउ इज द रिस्पॉन्स जनगणमन यात्रा की तरफ और जनप्रतिनिधियों के साथ? जनता का रुख तो मेरे ख्याल से अब तक आपने देखा ही होगा ना जी, कितनी उत्सुकता है बात करने की जी, सब जो गर्म जोश के साथ आए हुए पूरी के पूरी लोग। सर, यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन रहेगा क्या चुनावों में? यंगस्टर्स उन्हीं का रहेगा, बाकी का तो इतने सालों से चल ही रहा है जी, रंगा यंगस्टर कहलाएगा जी, ये देख लेना आप जी। सर, थैंक यू सो मच। आज जिस तरह से माननीय कोठारी साहब जनगण मन की बात को लेकर के मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब मीडिया का सोता स्तंभ के रूप में काम करने वाले सब साथी जब चलते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, जनगण मन की बात को लेकर के जब यात्रा के रूप में कुछ धरातल की स्थिति को समझने के लिए करते हैं तो अच्छा लगता है। निश्चित तौर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कोठारी जी का कि उनकी अंदर आत्मा की परिवेदना है, अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो उसको किस तरह से है जो बांटने का काम करें और उस यात्रा को लेकर के आप काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से एक संपादक के नाते जो व्यक्ति इस परिवेश में गुजरता है, देखता है, आँखों देखी स्थितियाँ, वस्तु स्थिति जानता है, तो डायरेक्ट ही उस बात को एक अच्छे स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता है। जानते हैं कि आज जब विभिन्न योजना को लेकर के बात करें तो योजनाएं धीरे धीरे चलती हुई गांव में पहुंचती है, वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानवीय मूल्यों को लेकर के क्या प्रभाव पड़ता है, जनजाति बहुल्य क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, संस्कृति को किस तरह से है जो आदि युगों से चलने वाले संस्कृति का इस डिजिटल से जोड़ करके क्या उनमें क्या स्थितियां बनती हैं, ये सब समझने की बात है। मुझे अच्छा लगा कि आज जो है विभिन्न जनकल्याणकारी योजना की जानकारी लेने के लिए कोठारी साहब यहाँ पर आए। राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने जिस भावना के रूप में जनकल्याणकारी योजनाएँ लागू की है, जिसमें 25 लाख रुपए में हमारे भाइयों का इलाज करने की चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट को लेकर के जब गाँव में हमारे भाई बहन फ़ायदा लेने की बात को लेकर के काम करें, 100 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, 2000 यूनिट एग्रीकल्चर कनेक्शन में हमारे भाई दोनों को भाइयों को अनुदान मिले, यही नहीं जहाँ पर जो है वृद्धावस्था पेंशन की बात को करें 500-700 से एकदम 1000 करके उन निम्न तबके के भाइयों के लिए फ़ायदा हो सकें, और उनके साथ साथ में सबसे बड़ा मामला है कि जो गौ माता है, जिन गौ माता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंश्योरेंस के रूप में बात करके गाँव और डाणियों में जिस तरह से आजकल हमारे काश्तकार भाइयों के लिए अनुदान की बात कर ली कि 2 मवेशी तक उनमें 40,000 रुपये का अनुदान देने की बात को लेकर के बात करें, और पूरे राजस्थान में जिस तरह से ये तो केवल जो है कुछ एक योजना में बता रहा हूँ, परंतु इस तरह की दूसरी विभिन्न योजना को लेकर के यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोवंश के लिए बात करी हो, धरातल परिस्थिति बात करी, ये सब समझने के लिए कोठारी साहब ने एक इस रूप में दौरा करने की बात कही है। ये जो जनगणमन यात्रा पूरी चल रही है राजस्थान पत्रिका की, और जिसमें थोड़ी कोशिश की जा रही है अगले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कि किस तरह से जो है वो माहौल बन रहा है, जनता किस तरह से सोच रही है, और उसको लेकर के जो अलग अलग तरह के इंट्रैक्शंस हो रहे हैं,
तो ये हमेशा राजस्थान पत्रिका इस तरह की पहल करता आया है अलग अलग इलेक्शंस में और उनमें आकर के था, और उसका बहुत प्रभावी असर हमेशा रहा है। वो केवल मतदाता जागरूकता को लेकर के ही नहीं है, उसके बारे में जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं भी सोचा जा रहा है, इस तरह के मुद्दों को कैसे उठाया जा सकता है, आने वाले इलेक्शंस में कैसे उन जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके इर्द गिर्द माहौल बनाया जा सके, उनको इलेक्शन के कैंपेन की तरह रखा जा सके आकर के है, और पार्टीज़ या जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो उन मुद्दों की तरफ भी सोचने की बात हो, और वो खासकर हमेशा पत्रिका का एक जो ह्यूमन एंगल रहा है पूरी तरह से आकर के, कि जो मुद्दे हैं चाहे वो रोज़गार का मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से जिस तरह से चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं वो एक बहुत ठीक है। इस यात्रा से या राजस्थान पत्रिका की पूरी मुहिम से मैं तकरीबन पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं मतदाता जागरूकता और जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं, चूँकि हम खुद सिविल सोसाइटी से आते हैं, ये हमारा भी दायित्व है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, अपने पॉलिटिकल राइट्स को अपनों को समझें और इन चीज़ों में आकर के कंट्रीब्यूट करें, तो उस समय से मैं इसमें लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग स्थानीय स्तर पर, तो मेरी मुलाकात कोठारी साहब से बहुत बढ़िया रही, मेरे लिए उनसे सीधा रूबरू होने का एक ये पहला अवसर था, और जैसा हमने सुना था कि कैसे वो धरातल पे व्यक्तियों के साथ जुड़ के धरातल के मुद्दों पे बात बेबाक बात करते हैं उसमें आकर के, तो मुझे उनसे मिलकर के आज बहुत अच्छा भी लगा, और उनसे खुल के बातचीत करके अलग अलग मुद्दों पे आकर के जो राय थी आकर के उन्होंने उसको बहुत ही जिस गहराई से सुना और समझा वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आकर के, तो मेरा आने वाले इलेक्शंस में सभी उनसे निवेदन है, चाहे वो तमाम पार्टीज़ हैं चाहे जो भी हैं, कि यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, रोज़गार आज भी इस क्षेत्र में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, शिक्षा आज भी इस क्षेत्र में बहुत कम है। अगर हम 2011 की जनगणना देखते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस तहसील में जो है वो केवल 42% लोग साक्षर वहाँ पर हैं। स्वास्थ्य की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ठीक यहाँ पर नहीं है। सरकारी कार्यालयों में स्टाफ की बहुत कमी यहाँ को लेकर के, इसलिए जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो बहुत ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो जो आने वाले मुद्दे हैं उनमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं, हमारा मानना है कि जो मानव विकास के मुद्दे और सूचकांक हैं उनकी तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए और उनको इनका मुद्दा बनाया जाना चाहिए। मैं आज यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो इस भारत में, उनका सबसे बड़ा मीडिया में भी नाम है, और उनकी जो राजस्थान पत्रिका चलती है उस व्यक्ति से मिला, मेरे गदगद हो गया, बहुत खुश हुआ कि ऐसे व्यक्ति से मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरा ये है कि अभी जो ये इलेक्शन का माहौल बन गया है, अब धीरे धीरे बन रहा है, तो टिकटों का भी बंटवारे की भाई कौन टिकट ले जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में भी मैंने तो थोड़ा जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो टिकट, तो क्या है कि टिकट तो पार्टी देती है लेकिन फिर भी क्या देखेंगे, तो उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। लेकिन सबसे भ्रष्ट में भ्रष्ट ये सरकार, भ्रष्ट सरकार बिजली नहीं है, बिजली बिल्कुल नहीं दे रहे, फसल जली जा रही है, करोड़ों की फसल जो है किसाना बेचारा अपना पेट पा वो करके बोता है, लेकिन अब लेना उसके हाथ में नहीं होता, बिजली है ही नहीं। अभी भी हमने बहुत आंदोलन किया, बहुत रोड रोक दिए, वो कर दिया, लेकिन तो भी बिजली नहीं दे रहे हैं हमारे रेवदर संभाग में, और बहुत ही कठिन परिस्थिति हुई है। और ये लोगों को तो कुछ का कुछ मोबाइल बाँटो, ये बाँटो वो बाँटो, ये सब्जी बाँट दो और ये वोट बाँट दो, ये बाँट दो, कई का कई बाँट रहे ये सरकार, लेकिन सब सड़ा हुआ। हमने खुद ने देखा कि जो वो चीज़ें दी हैं वो सब सड़ी हुई है,
एक मोबाइल नहीं है सड़ा हुआ, गलत नहीं बोलूँगा, मोबाइल सड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी जितनी भी चीज़ें दिए सब सड़ी हुई। इस सरकार को फेंक देना चाहिए, पब्लिक 100% परिवर्तन लाएगी, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। 101% परिवर्तन आएगा, पूरे राजस्थान में परिवर्तन आएगा और देवधर में भी हमारे परिवर्तन आने वाला है। मुद्दे यही राजनीतिक मुद्दे हुए हैं, यहाँ की सीट की क्या स्थिति रहेगी, यहाँ सीट बीजेपी जीतेगी, सब परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। लोग बाग ठान के बैठे हैं, ये तय कर लिया है कि परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। कारण ये है कि पिछली बार तो भावुकता में क्या ऊपर आकाश नीचे धरती, मेरे को कहाँ जाना है, वो इस प्रकार के लूला लूपी करके लोगों का दिल जीत लिया। पर इस बार दुनिया जानती है कि चुनाव भाजपा के बिना, डबल इंजन की सरकार चाहिए साहब हमको, ताकि हम विकास करवा सकें। सर का बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने महिलाओं से महिलाओं के बारे में जानने की चेष्टा की, कि उन्होंने हमें पूछा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में हम क्या सोचते हैं, महिलाओं का राजनीति में योगदान के बारे में हमारी क्या राय है और महिलाएं राजस्थान में कैसे आगे बढ़ सकती है राजनीति में, उसके बारे में हमारी विस्तार। महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? महिलाओं को जाके बूथ लेवल पे, हम महिला कांग्रेस ने एक अभियान निकाला है प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की, उसके तहत कल महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है, तो ये हमने महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम हर बूथ पे 2 महिलाओं को लगाएंगे, जो महिला को प्रेरित करेंगी कि वो बूथ पे आएँ, वो अपने वोट का अधिकार का उपयोग करें और महिलाओं में जागरूकता लाएँगे कि वो वोटिंग के लिए समर्थन रखें। आज जो यात्रा आई तो हमें खुद को इतना प्राउड फील हो रहा है कि पहली बार ये हो रहा है कि कोई आए और हमें इतना अच्छा कनेक्ट हो, उनसे मिलके हमें बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने हमें मोटिव भी किया और कुछ हमारी कमियों को भी देखा, और हमें यहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा ये बोला कि महिलाओं को आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप आने वाले टाइम में चुनाव में कैसे देखते हो। मैं सोचती हूँ सर, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है कि हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, महिलाएं खुद आगे होकर इस बार हमारा सपोर्ट करने वाली हैं, और ऐसा सुनने में भी आया है और लग भी रहा है कि सर जैसा पहले चुनाव में अभी हाल ही में हुआ था कि कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही है, युवा और महिला, तो सर हम लोग तो दोनों में कैटेगरी में परफेक्ट बैठते, तो हम अभी आसान भी थे कि इस बार हम लोगों को मौका दिया जाएगा और हम आबादी का 50% हम खुद हैं, तो हम जाएंगे तो हम उन्हीं की बात करेंगे महिलाओं की, तो मैं सोचती हूँ हमारे साथ वो कनेक्ट होएगी, और यही बात हमने सर को भी बताई थी। देखिए ये बिल्कुल 1-to-1 मिलकर के जो विचार जनता से चर्चा करके प्राप्त कर रहे हैं, उससे कोई ना कोई निचोड़ निकलेगा। जब मंथन होता है तो अमृत निकलता है, और चूँकि बहुत ही संजीदगी के साथ में, एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में, ये नहीं कि कोई विचार अपना दे रहे हैं कि मैं ऐसा बोले कोई आदमी वैसा बोले, ऐसा नहीं है, ये बहुत निखालस बात सबकी सुन रहे हैं और सभी पक्षों की सुन रहे हैं, और उसमें इनका जो 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 मिल रहा है, फीडिंग मिल रहा है, जो आउटकम मिल रहा है, वो वास्तव में सटीक जाने वाला है। इसलिए ये धरातल से जुड़ी हुई यात्रा है और निश्चित रूप से परिणाम देने वाली है और राजस्थान को भी दिशा देने वाली है। सर वो कौन से इश्यूज हैं जिन पे ध्यान खींचना चाहेंगे आप, जनता का, मतदाताओं का? मतदाताओं का ध्यान तो हम इसलिए खींचना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरकारें चला रहे हैं, ये जनता में एक अंडर करंट चल रहा है कि ये सरकार हम 5 साल के लिए चुनते हैं और 6 महीने तक काम करती है, 4.5 साल का जो आपने बेकार किया है, चाहे आपने आपसी लड़ाई में किया, चाहे आपने काम नहीं करके किया, चाहे आपने ये बता दिया कि भाई जनता तो मूर्ख है, कभी भी पीछे 6 महीने में हम इनको समझा देंगे, भ्रमित कर देंगे, तो वो अब समझ में आ चुकी है जनता को। इसलिए ये रेवड़िया बांटने के माध्यम से कोई जनता को बरगला दे, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और पिछला अनुभव इनका इस प्रकार से है कि ये सब टेम्परेरी चीज़ है, जादूगर अपनी जादूगरी बताता है लेकिन जनता उस जादूगर में फंसने वाली नहीं, कोई अंत में हाथ खाली आता है, वो स्थिति है। आज मिलके हमें बहुत अच्छा लगा कि दरअसल की सारी जानकारी पूरी प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित तौर से जैसे हमारे महेंद्र जी बोरा जी ने कहा कि इसका कोई ना कोई निचोड़ निकल के आएगा, ये हम पूर्ण रूप से हमें विश्वास है। जो भारतीय युवा हैं जी, उनको ऐसी क्या सहूलियतें मिलनी चाहिए कि वे आपकी पार्टी को चुने? हमारी पार्टी को चुनने के इसलिए चुनेंगे भारतीय जनता पार्टी को, कि
नरेंद्र जी मोदी जी अनेक योजनाएं लिए और युवाओं के साथ जिस तरीके से राज्य सरकार ने बता देने की बात कही थी उस पर उनको केवल आपको सबको पता है कि बिल्कुल कुछ धक्का दिया है, बता नहीं देके धक्का दिया है, इसीलिए इस बार इस सरकार को जरूर नकारेगी, ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका संदेश क्या होगा? फर्स्ट टाइम वोटर निश्चित तौर से मैं देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को चुनेंगे, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि मैं भी गाँव में आज पूरे गाँव में घूमता हूँ तो उन युवाओं में और युवती में बहुत ही उत्साह है कि फर्स्ट वोट देंगे तो हम नरेंद्र जी मोदी जी को देंगे। नरेंद्र जी मोदी जी को देने के लिए केवल उनका एक ही है कि हमें राष्ट्रीय अखंड राष्ट्र के लिए अगर राष्ट्र जिंदा रखना है तो नरेंद्र मोदी जी को चुनना पड़ेगा। जैसे राम मंदिर किसी ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर भी इस जन्म अपन देख पाएंगे, तो इस 2014 के लेकर आज तक के जो कार्यकाल हुए 370 धारा जो हटी है वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हटी है, तो इस चीज़ को देखते हुए अगर राष्ट्र को और युवाओं को भविष्य देखना है तो निश्चित तौर से अपने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को चुनना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो जनप्रतिनिधियों ने की हैं पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी से, जो निकले हुए हैं इस वक्त जनगणमन यात्रा पर देश में चुनाव से पहले का माहौल टटोलने के लिए, नब्ज पकड़ने के लिए। आप जनगणमन यात्रा की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पत्रिका प्लेटफॉर्म्स पर, यानी पत्रिका TV, पत्रिका.com और FM तड़का पर।